दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। कृपया ध्यान दे, रेल टिकट में हुए बदलाव, ऐसे होगा आपको फायदा। भारतीय रेलवे में कुछ नए नियम लागू हुए हैं, जिसमें रेलवे संयुक्त पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जारी करेगा। इसके मुताबिक अगर किसी यात्री को दो ट्रेनों से यात्रा करनी है तो उसके नाम पर संयुक्त PNR जनरेट होगा। इस नए नियम के आने से अगर यात्रियों की पहली ट्रेन देर होती है तो और इस कारण उनकी अगली ट्रेन छूट जाती है तो उन्हें बिना कोई पैसे दिए आगे की यात्रा रद्द करने की अनुमति होगी। अब तक एक यात्रा के लिए दो ट्रेन बुक करते थे तो यात्रियों के नाम पर दो PNR नंबर जनरेट होते थे, लेकिन अब दो PNR को लिंक कर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत संयुक्त पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जारी होगा। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने ग्राहकों को और एक बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके अंतर्गत अब पहले की तुलना में रिफंड मिलना आसान हो जाएगा। अगर किसी स्टेशन पर रिफंड नहीं मिल पाता है तो आपके द्वारा भरी गई TDR 3 दिन के लिए मान्य रहेगी। आपके रिफंड का पूरा पैसा आपको CCM या रिफंड ऑफिस से मिल जाएगा। वही अगर आपने काउंटर से रिजर्वेशन की टिकट ली है तो पहली ट्रेन आने के असल टाइम के 3 घंटे के अंदर आप अपनी दूसरी ट्रेन को कैंसिल कर सकते हैं। रिफंड का पैसा काउंटर पर ही मिल जाएगा, लेकिन अगर टिकट ऑनलाइन बुक की है तो जिस स्टेशन पर पहली ट्रेन पहुंची है और जिस स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़नी है उस स्टेशन पर TDR भरना पड़ेगा, तभी आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।